पास बहुत नहीं पहुंचने के कारण में हमने मैंने क्वेश्चन ने देखा और लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे फोटो डाल के राशनों की बोतल रियल जो बंदे हैं गरीब तबके के लोग हैं जो भूखे सो रहे थे उनका मेरे को ख्याल था और मैंने देखा तो मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे और व्हाट्सएप के जरिए ग्रुपों में डाली और नीट बंदे जो बिल्कुल नीट दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और न किसी प्रकार की उनको राहत सामग्री मिली थी तो उसको चलते हुए मैंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और पोस्ट डाली थी। उस दौरान मेरे पास में लगभग 30-40 फोन आए और उस फोन के देखते हुए मैंने मेरे खुद के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वर्तमान में भी पार्षद हूँ उस दौरान हमारा एक महिला ग्रुप बना हुआ था पति समाज का तो उसके अंदर मैंने पोस्ट डाली थी अगर मैं दो रोटी कम खाऊंगा लेकिन भूखे को रात को सोना किसी मजदूर को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके तहत हर घर से 5, 7, 8 ऐसे टिफिन बनने शुरू हुए और धीरे धीरे हमारे 80-100 के आसपास टिफिन बनते रहे और हम जैसे जिनका कॉल आ रहा है उनको डोर टू डोर सर्विस दे रहे इस व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जैसे ये चल कॉन्टैक्ट नंबर थे तो कुछ अलग अदर समाज से सिंधी समाज से युवाओं ने भी मेरे से संपर्क किया और आज़ाद चौक से हमारे आज़ाद युवा ग्रुप ने उन्होंने संपर्क किया तो ऐसे करके हम अब सुबह शाम 500 के ऊपर टिफिन सर्विस दे रहे हैं। आप सुबह शाम कितने किलोमीटर का राउंड हो जाता है कितने किलोमीटर घूम लेते हैं डोर टू डोर भोजन देने के लिए? करीबन 12-15 किलोमीटर आसपास। और कब तक ये कारवा जारी रहेगा? जब तक टिफिन राहत सामग्री मिलेगी हम देते रहेंगे और ये हम सिलसिला ऐसे नहीं कि 10 तक हमने चलाया ये कारवा जब तक लॉकडाउन पूर्ण तरह से सफल होके और बंद नहीं होगा और मार्केट नहीं खुलेगा जब तक हमारा चलता रहेगा। और भी भामाशाह हमारे पास आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से देने के लिए और अभी वर्तमान स्थिति में हमारे पास बहुत सारे टिफिन ऐसे भी है पेंडिंग है अगर कोई भी बंदा है आप हमें कृपया बताओ और कॉन्टैक्ट करो तो हम उसे डोर टू डोर सर्विस देंगे और उसे रात को भूखा नहीं सोने देंगे। थैंक यू।